शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है गाड़ी धोखा दे गई। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। ज्यादा देर लग जाएगी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप अपने किसी मधुर गीत की एक लाइन सुना दें तो शायद गाड़ी उसे सुनकर एक सेकंड में भागने लगे, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है कि इंसान तो क्या। मैं यहाँ गीत संगीत सब छोड़कर आई, आप सिर्फ इतना बताइए आपसे ये गाड़ी ठीक होगी या नहीं। जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे रे रे रे। धत तेरे की, ये तो फैन बेल्ट ही टूट गई, अब लगता नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अरे नेहा जी, नेहा जी, अरे नेहा जी सुनिए तो, इतनी रात में आप जंगल की तरफ कहाँ जा रही हैं? नेहा जी सुनिए, नेहा जी लगता है कुछ देर के लिए इसी जगह पर रुकना अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात बहुत तेज होने वाली है। चलिए आप चुप हो जाइए। पता नहीं क्यों हमने आपसे मदद ले ली कि जो हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई। हे भगवान, इतनी रात सुनसान जगह और ये खराब मौसम, कहीं ये लड़का। लगता है नेहा जी शायद मुझे गलत समझ रही है, पर भगवान तू तो जानता ही है ना कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। ये नहीं, मैं किसी भी तरह घर पहुंचने का बंदोबस्त करता हूं, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा।
ले लोगे? अरे तुम तो कह रहे कि चार पांच घुसा मार के छोड़ देंगे। अरे क्या ये क्या बकवास कर रहा तू? झूठ बोल रहा है। हम सब समझ गए हैं। ये झूठ बोल रहा है। आप मेरा शगा सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इम्प्रेस करने के लिए तुमने जो नाटक किया है उसकी हम पुलिस में कंप्लेन जरूर करेंगे। गांव में आए हुए मेहमानों की इज्जत की जाती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया जाता। राजा तुमने बहुत गलत काम किया और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हवलदार जी साहब, रजिस्टर निकालो और इसकी कंप्लेंट लिखो। ठीक है साहब। दारोगा चाचा, आपने इनकी तो सारी बातें सुन ली, लेकिन कंप्लेंट लिखने से पहले प्लीज मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। अगर किसी लड़की की मुसीबत में मदद करना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, और अगर गुंडों से किसी लड़की को बचाना जुर्म है तो मैं सजा का हकदार हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गुंडे तो इसी के भेजे हुए थे। आजकल के नौजवानों पर फिल्मों का बहुत असर होने लगा है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी फिल्मी सीन करने लगे। बहुत अच्छे राजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है दरोगा चाचा। वो गुंडे लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये मैं नहीं जानता। अबे चल साहब के पास। यही है उनमें से, यही है दरोगा चाचा, यही है। हवलदार जी साहब, चल चल। कल रात तू कहां था? हम गांव में साहब। सच सच बता वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हजूर कल रात से हम मारी खाते हैं। असल बात यह है कि हम लोग चोरी करने निकले रहे और ये लड़की के देख के। बहुत अच्छे। और फिर राजा ने तुझे 50 रुपए देकर इन्हें छेड़ने के लिए भेज दिया है ना? नहीं साहब, वो तो एक ही मार से बचने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ा, वरना ये तो हमको जान से मार डालता। जान किसको प्यारे नहीं साहब। देखा दरोगा चाचा, सच्ची बात सामने आ गई ना। सच के साथ तो भगवान भी होता है। नेहा जी, चोर के बयान से यह साबित होता है कि आपको गलतफहमी हुई और राजा बेकसूर है। ए नहीं बल्कि बना दिया गया है। अपने आदमियों की मदद करना आजकल पुलिस वालों की ड्यूटी बन चुकी है। इस गुंडे का इस वक्त आना महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि तुम सबकी मिली भगत है। नहीं लिखवाना मुझे तुम्हारे यहाँ रिपोर्ट। अजीब लड़की है। हवलदार इसे अंदर ले जाओ। जी साहब। अरे 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 बाल छोड़ा हमरा। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। अच्छा दरोगा चाचा, मैं चलूं? ठीक, तुम जाओ बेटा, जाओ। पोस्टमैन भैया कैसे हो? अरे भैया आज बड़ा बन ठन के घूम रहे हो, गौने की तारीख पक्की हो गई है का? हाँ भैया, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे तो समझा आज ही मामला फिट हो जाए। तो भैया ससुराल जा रहे हो का? तो तनिक ठहरो, ये चिट्ठी अपनी सास के दे दिया, राम भला करे। राम भला करे। ये तो फटी। अरे पोस्टमैन भैया, क्या हुआ भैया? पोस्टमैन भैया, ये का हुई गवा, ये खत का कोना तो फटा है। अरे पगले, कोना फटी चिट्ठी का मतलब नहीं समझा तो? तो अरे ससुराल की रिश्तेदारी में फिर कोई भगवान को प्यारा होगा? अब तो अरे गवना पड़ गया फिर खटाई में। अरे बाप, फिर हो गई एक साल की छुट्टी। क्या बात है पांडे भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो। भांगड़ी भैया, तू सिर्फ भांग डाला, कुछ मत पूछा। का फायदा, चार पल का मेहमान तेरा, अपना देखी कल का सवेरा। और दिया और दिया। हम प्राण दे दे, हम मर जाए, हम बोले नाथ का देखत, हम मर जाए, हम मर जाए, हम प्राण दे दे। अरे वहां कहां जा रहा है? वहां तो नागराज की मामी है। ए पांडे भैया रुक जाओ, वहां तो नागराज की मामी है, मर जाओगे। मर गए? अरे जब गौनुआ क्राई के हमसे मिलना ही नहीं था तो हमारी रानी काए बनी, इतना ही हमसे सही नहीं जाएगी। नगराजा आवा, नगराजा जल्दी आवा। नगराजा जल्दी आवा, हम काले ही जावा। हमिया
अपनी चुटिया से हमरे पाँव पे गुदगुदी करत है। पकड़ लियो चमिया, मेरी चमिया अब कहाँ गई हो? तोरी चुटिया तो हमरे हाथ में जिंदगी भर पकड़े रही। शंकर भगवान कहाँ किए? अरे गबनवा की अर्जी तो साल भर पहले लगाए रहे, ऊपर कोनी ऊपर कोनो सुनवाई नहीं किए। ये मौत की तो सिर्फ बात किए, वो भी बिना अर्जी के, वो फौरन भेज दिए। नागर राजा जा जा जा, नागर राजा जा 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 जा